विशाल पंखों वाला जादुई शेर, दुष्ट काले चीते का जानवरों पर कहर। जंगल का राजा सिम्बा नाम का एक सफेद शेर था। सिम्बा के पास एक सुनहरा जादुई ताज था, जिसे पहनते ही सिम्बा एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाता था और दुश्मनों के छक्के छुड़ाता था। सिम्बा का एक दोस्त था बाज, जो सिम्बा को आसपास के जंगलों की खबरें देता था। एक दिन बाज और सिम्बा बातें कर रहे थे। दोस्त, सुना है पास के जंगल में जानवर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जानवरों का क्या हो रहा है, कहा जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ दोस्त, मैंने जानने की काफी कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। अरे ऐसी क्या मुसीबत है जो तुम्हारे भी पल्ले नहीं पड़ रही? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से हमारे जंगल के चारों ओर तुम्हारे खबरियों को सतर्क कर दो। उनसे कहो कि जैसे ही खतरा महसूस हो हमें संपर्क करें। लगता है इस बार जो मुसीबत आने वाली है वो हम सब पर भारी पड़ने वाली है। चलो जो भी है देख लेंगे। वैसे मैं भी इसी सिलसिले में कुछ जानकारी हासिल करने पास के जंगल जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। दोनों काफी देर बातें करते हैं। बाज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब लोमड़ी और हिरन जंगल में घूम रहे थे, तो उनकी नज़र बेरहमी से मरे पड़े जानवरों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? किसने इन्हें यूं बेरहमी से मार दिया? हाँ सच में, इन्हें देखकर तो डर के मारे मेरा हाल बेहाल हो गया। धीरे धीरे सारे जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। सबके दिलों में डर और दहशत छा गया था कि अचानक उनके सामने एक दुष्ट काला चीता आता है, जो दिखने में बड़ा ही भयानक लग रहा था। मेरे पास सब कुछ है, बस नहीं है तो वो जादुई ताज जो इस जंगल के राजा सिम्बा के पास है। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई ताज चाहिए, जिससे मैं पूरी धरती पर कब्जा करूंगा। यूं काला चीता जोर जोर से हंसने लगता है। काले चीते के इस भयानक रूप को देखकर जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख काला चीता और भी खुश हो जाता है और सारे जानवरों को कैद करके खुफिया जगह पर रखता है। कौन हो तुम और तुमने हमें यूं कैद क्यों रखा है? हमें आजाद कर दो। मैंने तुम लोगों को यूं ही कैद नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको एक ही पल में शिकार कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे वो जादुई ताज चाहिए जो इस जंगल के राजा सिम्बा के पास है। मैं उसे हासिल कर इस पूरे जंगल को अपना गुलाम बना लूंगा। ये सब वही पेड़ पर बैठा बाज का खबरी देख लेता है और वो तुरंत सिम्बा के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। जंगल में इतना सब कुछ हो गया और तुम ये बात अभी बता रहे हो? बाज कहा है, उसे कहो कि वो जल्दी से आकर मुझसे मिले। महाराज, वो जंगल में नहीं है, किसी जरूरी काम से पास के जंगल गया हुआ है। अरे हाँ, मैं भूल गया कि वो पास के जंगल में गया हुआ है। ठीक है, तुम मुझे उस चीते के पास ले चलो। यू सिम्बा बोल ही रहा था कि काला चीता वहाँ आता है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। कौन हो तुम? मेरे जानवर कहा है? अरे ओ सिम्बा, अगर तुम अपने जानवरों की खैर चाहते हो तो मुझे वो जादुई ताज दे दो जो तुम्हारे पास है। क्या जादुई ताज? लगता है तू पागल हो गया है। छोड़ दे मेरे मासूम जानवरों को, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो तुम्हारे जानवर जो मेरी कैद में है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही कैद में रह जाएंगे। मैं उन सबको मार डालूंगा। काले चीते और सिम्बा के बीच लड़ाई होती है। सिम्बा की ताकत के सामने चीता कमजोर पड़ रहा था। ये देखकर चीता सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तू ये मत भूल कि तेरे सारे जानवर मेरी कैद में है, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही कैद में रह जाएंगे। ये सुनकर सिम्बा एकदम से कमजोर पड़ जाता है। देखो, मेरे मासूम जानवरों को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं वो जादुई ताज तुझे देने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम मेरे जानवरों को आजाद कर दो,
नहीं, पहले तुम मुझे वो जादुई ताज दे दो। सिम्बा चीते को जादुई ताज के पास लेकर आता है जो एक गुफा में था। चीता ताज को देखकर खुश हो जाता है। सिम्बा जादुई ताज चीते को देने ही वाला था कि वहाँ बाज आता है और चीते पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से चीता संभल ही रहा था कि दूसरी ओर सिम्बा अपना जादुई ताज पहन लेता है। जैसे ही वो अपना जादुई ताज पहनता है, वो एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाता है। ये देख चीता घबरा जाता है। सिम्बा, तुम इसे संभालो, मैं जानवरों को देखता हूँ। बाज अपने खबरी के साथ जानवरों को ढूंढने लगता है। इधर सिम्बा चीता पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वही बाज और उसके खबरी जानवरों को ढूंढकर उन्हें आजाद कर देते हैं। सिम्बा बाज का धन्यवाद करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। सफेद शेर का पुनर्जन्म और ब्लैक पैंथर से अंतिम बदला। काला ने सफेद शेर की माँ और उसके भाई को मारकर एक दहाड़ लगाई, जैसे कि वो जंगल का राजा है। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात के समय हल्की बारिश हो रही थी और सफेद शेर की आत्मा जंगल में भटक रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। अचानक हवा में एक आवाज गूंजती है, राजा अब समय आ गया है, तुम्हारा पुनर्जन्म होना चाहिए। काला ने मेरे परिवार का नाश किया, माँ भाई सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मैं केवल बदला चाहता हूँ। बदला ही हमेशा समाधान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को न्याय चाहिए। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन याद रखना ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई मोड़ आएंगे और हर मोड़ पर तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। तब जंगल में एक अनोखी रोशनी फैलती है और सफेद शेर का पुनर्जन्म होता है। उसकी शक्तिशाली दहाड़ से जंगल कांप उठता है। काला मोटी मगरमच्छ के साथ बैठा था, तब वहाँ बंदर आता है और कहता है, मालिक, मैंने सुना है कि सफेद शेर वापस आ गया है। क्या कहा, राजा फिर से जीवित हो गया? अगर वो लौट भी आया तो क्या कर लेगा, उसने पहले भी मुझसे हार मानी थी। सावधान रहना काला, सफेद शेर की आत्मा कमजोर नहीं होती। अगर वो वापस आया है तो वो अपना बदला नहीं बल्कि पूरे जंगल को भी वापस ले जाएगा। मैं जंगल का राजा हूँ और कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। सफेद शेर जंगल की पुरानी चट्टान पर खड़ा था जहाँ उसके परिवार को मारा गया था। उसकी आंखों में आस थी, तभी वहाँ हाथी आता है। राजा, राजा तुम आ गए, राजा तुम लौट आए हो, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। शेरा, काला ने मेरी माँ को मार डाला, मेरे भाई को धोखा दिया और अब वो पूरे जंगल पर राज कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो राजा, जंगल के सभी जानवर काला के अत्याचार से त्रस्त है। अब समय आ गया है कि हम सब साथ मिलकर उसका अंत करें। वो बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बाघिन आती है। उसकी आंखों में भी आस दिखाई देती है और वो कहती है, राजा मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, काला ने मेरे बच्चों को भी मार डाला, मुझे न्याय चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगी। बलराम नाम का भैंसा राजा का सबसे पुराना मित्र घायल अवस्था में पड़ा था। तब गाय उसे बचाने के लिए पानी लाती है। गाय, तुम इतनी छोटी हो पर फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रही हो। बलराम भाई, काला ने मेरी माँ को मारा, अब और डरने का समय नहीं है, हमें राजा का साथ देना होगा। तभी वहाँ राजा पहुँचता है। बलराम राजा को देखकर मुस्कुराता है। राजा, तुम वापस आ गए हो, काला का अंत अब निश्चित है। हम सब मिलकर उसका अंत करेंगे, अब समय आ गया है। राजा, बाघिन बलराम और गाय जंगल में एक योजना बनाते हैं। बंदर गुप्त रूप से काला के ग्रुप में शामिल हुआ था।
बंदर काला से पूरी जानकारी लेकर सफेद शेर के पास आता है और कहता है, मैंने देखा है कि काला और मोटी मगरमच्छ कुछ नई चाल चल रहे हैं, पर दोनों में मोटी मगरमच्छ सबसे कमजोर है। राजा एक रणनीति बनाता है कि सबसे पहले मोटी मगरमच्छ को खत्म किया जाए ताकि काला कमजोर हो जाए। अब आता है अंतिम टकराव। राजा और काला आमने सामने खड़े हो जाते हैं। काला अपने सारे सैनिकों को बुला लेता है। जंगल का हर जानवर इस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे चुनौती देने की? देख राजा, मेरे पास कितनी ताकत है। ताकत संख्या में नहीं होती काला, दिल की ताकत सबसे बड़ी होती है। लड़ाई शुरू होती है। काला तेजी से हमला करता है, लेकिन राजा हर बार उसका वार रोकता है। बाघिन और बलराम काले के सैनिकों से लड़ रहे थे, जबकि हाथी मोटी मगरमच्छ को रोकता है। राजा और काला के बीच लड़ाई चरम सीमा पर थी। राजा काला पर वार करता है, लेकिन अचानक मोटी मगरमच्छ हाथी को बुरी तरह घायल कर देती है। राजा हाथी को घायल देखता है और उसका ध्यान भटकता है। काला इसका फायदा उठाकर राजा पर हमला करता है। देखा, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती है। नहीं काला, भावनाएं ही मेरी असली ताकत है। मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और इस जंगल के लिए लड़ रहा हूँ। राजा फिर से खड़ा होता है। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठता है। वो पूरी ताकत से काला पर हमला करता है। अंत में वो काला को जमीन पर गिरा देता है। काला अब बुरी तरह से हारा हुआ था। उसके सैनिक भी भाग चुके थे। मोटी मगरमच्छ भी घायल थी। तुमने मुझे हरा दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं हराया क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए हराया काला क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जंगल की रक्षा कर रहा था। तुमने अपने अहंकार और लालच में सब कुछ खो दिया। राजा काले को मारने के बजाय उसे जंगल से निष्कासित कर देता है। जाओ काला, तुमने जिस क्रूरता से इस जंगल पर राज किया, अब वो तुम्हारा अभिशाप बन जाएगा। काला जंगल छोड़कर भाग जाता है और जंगल में शांति लौट आती है। राजा बलराम बाघिन और अन्य जानवरों के साथ जंगल के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में आस है, लेकिन उसका दिल शांत है। तुमने जंगल को फिर से बचा लिया राजा, अब हम सब सुरक्षित हैं। ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे परिवार की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तभी जंगल में फिर से आवाज प्रकट होती है। राजा, तुमने न केवल अपने परिवार का बदला पूरा किया, बल्कि पूरे जंगल को एक नई शुरुआत दी। तुम एक सच्चे राजा हो। राजा अपनी माँ की समाधि के पास बैठता है और उसकी आंखों से एक अंतिम आंसू गिरता है। वो अपने परिवार की आत्माओं से जुड़ जाता है।